नहीं पूछा मैं तुम्हें देखकर क्यों चला जाता था? पिछले 3 दिन से मैं यही पूछ रही थी। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? इस डर से कि कोई तुमसे दूर न चला जाए, तुम किस किस को अपने पास आने से रोकोगे? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पर मैं आया हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं इस जगह पर आया हुआ हूं स्पेशली आपको एक शूटिंग लोकेशन दिखाने। दोस्तों, एक फिल्म है सलमान खान सर की जो 1991 की है, जिसको बन के करीब 31 साल हो चुके हैं और वो 31 साल के बाद हम लोग आज ये गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल के सामने पहुंचे हुए हैं और आज आपको वो फिल्म जिसका नाम लव है, उसके कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, वो आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आप अगर स्क्रीनशॉट देखेंगे तो स्क्रीनशॉट में जो पीछे आप ताज होटल देख रहे हो, 31 साल पहले ये खूबसूरत इमारत बनी हुई जो आप देख रहे हो, यहीं पर सलमान खान और उनकी जो एक्ट्रेस हैं लव फिल्म की जो 1991 की है, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सीन रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, पहले आपको मैं चारों तरफ घूम के यहाँ का एक खूबसूरत व्यू दिखा देता हूँ। ये बाजू में है ताज पैलेस, इधर है ताज टावर और पीछे एक ग्राउंड, एक पार्क बनाया हुआ है और इस बाजू में है गेटवे ऑफ इंडिया, एक हिस्टोरिकल प्लेस गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहीं पर अलग अलग जगह पर 31 साल पहले फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, हम आपको सबसे पहला सीन बताते हैं कि जो आप मुंबई पुलिस के बैरिकेड्स देख रहे हो, अभी मुंबई में बारिश का सीज़न है लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, मौसम पूरा खुला हुआ है। तो यहाँ पर अभी बहुत पानी आ गया था, मतलब मुंबई में फ्लड सा जैसा कुछ आया था, तो पानी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पर पानी था तो वहाँ से थोड़ा टूट फूट हो चुकी है, तो वहाँ पर उन लोग ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो दोस्तों, पहला सीन जो रिकॉर्ड होता है, हम आपको बता दें कि बैकग्राउंड में आप ये होटल देखते हो, ये होटल का कलर सेम है 31 साल पहले भी और आज भी। दोस्तों, ये पत्थर का बना हुआ करीब 200 साल पुराना होटल है, 200 साल पहले इसको बनाया गया था, पहले ये बना था, बाद में गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो सलमान खान सर अपनी एक्ट्रेस के साथ में इधर से आते हैं और बैकग्राउंड में उनके जो सीन दिखता है, ये ताज होटल दिखता है और फिर वो यहाँ से दोनों वाइट कपड़ा पहने हुए रहते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद ये गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई की जान है, मुंबई का नहीं हम बोल सकते हैं, इट इज़ वर्ल्ड फेमस, कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे। जो आप गेट देख रहे हो, जो आप ये बाजू में छोटा गेट देख रहे हो और उसका डिज़ाइन देख रहे हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखने मिल रही हैं। तो इस जगह पर वो सारे सीन लव फिल्म के अब से 31 साल पहले रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों, मुंबई में ये एक फेमस प्लेस है घूमने के लिए और आप समझ सकते हो कि आज संडे का दिन है और गणपति का भी टाइम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आज पब्लिक बाहर कम आई हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी पब्लिक घूमने के लिए आती है। और मुंबई में सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, ना जाने और भी कितनी जगह हैं जहाँ पर पब्लिक घूमने के लिए आती है। तो दोस्तों, एक सीन में सलमान खान सर और वो एक्ट्रेस जो हैं वाइट कपड़े में यहाँ पर खड़ी हुई रहती हैं और बैकग्राउंड में वो जो आप जाली देख रहे हो, वो जाली आप अभी भी ऐसे ही देखने मिलेगी आपको, और अभी भी नहीं, इस ये इमारत गेटवे ऑफ इंडिया को भी बन के करीब 150 साल हो चुके हैं। तो ये लोकेशन तब से आज तक ऐसी ही है और ना जाने और आगे तक कब तक ऐसे ही रहने वाली है। दोस्तों, देखिए, एक सीन यहाँ पर लिया गया था, अभी यहाँ पर टूट फूट हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर वो लोग आते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं और बैकग्राउंड का सीन कुछ ये दिखाया गया है। आप बैकग्राउंड को मैच कर सकते हो, मुंबई की फेमस होटल ताज होटल और उसके सामने ये खूबसूरत समंदर का व्यू। दोस्तों, कुछ सीन यहाँ पर लिए गए थे और इसको यहाँ पर लेने के बाद कुछ सीन यहाँ पर लिए गए थे, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊँगा जो आप इसको अच्छे से समझ जाएँ। कुछ डिज़ाइन, भाई ये पत्थर की 200 साल पुरानी करीब इमारत है तो इसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा हुआ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ सीन लिए गए थे,
ये आज हम आपको इसको जूम करके दिखाएंगे, आप सीन को मैच कर पाओगे। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, ये सीन दिख रहे हैं, ये गेट दिख रहा है, तो दोस्तों हम ट्राई करते हैं आपको वो सारी लोकेशन दिखाने का जो आप बहुत पुरानी पुरानी फिल्मों में देख चुके हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत लोकेशन पसंद आती हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कमेंट कर रहे हो सबका वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों मैं एक टाइम पर एक ही वीडियो बना सकता हूँ, और कमेंट करने वाले लोग माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि आपकी बोली हुई वीडियो चैनल पर ज़रूर आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, किसी की वीडियो जल्दी आ जाती है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है, बट आई एम वर्किंग फॉर एवरीवन एंड इट्स माय गारंटी इफ़ यू कमेंट एनीथिंग आई विल वर्क ऑन दैट। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लव यू गाइस, वी विल मीट इन न्यू व्लॉग। थैंक यू सो मच।